नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दुनिया की तारिक शाहिद की मोहब्बत करने वालों को एक होने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं और जान का जोखिम भी उठाना पड़ते हैं। इश्क जब जाति बिरादरी की दहलीज पार करता है तो उसके जान के दुश्मन भी तमाम होते हैं। कुछ ऐसा ही है कानपुर देहात में। इस तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन बने जोड़े को मोहब्बत करना इनकी मौत का सबब बन गया है। ये कहानी कानपुर देहात की है, जहां एक ही गांव में रहने वाले उमाकांत गौतम और शानू चौहान एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे और प्यार जब परवान चढ़ा तो शादी में बदल गया। दोनों ने साथ जीने और मरने का इरादा तो कर लिया। शादी कानपुर के एक आदि समाज मंदिर में हुई और कानपुर कचरी परिसर में शादी को रजिस्टर्ड भी करवाया गया। लेकिन जैसे ही इसकी खबर गांव में लगी तो मानो लड़के और लड़की के ऊपर मौत मंडराने लगी। दरअसल गांव में उमाकांत और शानू की शादी के आगे उनकी जाति आ गई। एक दूसरे के साथ उम्र भर साथ रहने वाले ये प्रेमी अब मौत के डर से दर बदर भटक रहे हैं। प्रेमी जोड़े के वायरल वीडियो ने उनके इस डर के पीछे की कहानी खोल कर रख दी। वीडियो में ये जोड़ा पहले तो अपने परिवार पर ही उंगली उठा रहे हैं, उनका परिवार उन दोनों की हत्या करा सकता है। हालांकि 400 परिवारों का ये गांव, जिसमें 396 परिवार ऊंची जाति के हैं, जिस जाति की लड़की है बाकी के 4 परिवार दलित समुदाय के हैं, जिसमें से एक परिवार घर में उमाकांत रहता है। बात साफ है कि विरोध किस बात का है। अब सुनिए आगे की कहानी, जिसमें इस जोड़े ने कानपुर देहात की पुलिस की कार्यशैली और उनकी सांठगांठ की बात बोली है। इसके बाद उन्होंने अपनी जान के खतरे को लेकर बीजेपी के किसी नेता का भी जिक्र कर डाला है। हालांकि पुलिस ने लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस प्रकरण में लड़के के चाचा को 2 दिन से थाने में भी बिठा रखा है। अंतर्राज्यीय विवाह भले ही समाज के कुछ हिस्सों में है अभी भी गलत माना जाता हो, लेकिन हमारा कानून इसे पूरी तरह से इजाजत देता है। लेकिन जब कानून के रखवालों पर आरोप लगने लगे तो कोई क्या करे। अब देखना है कि मौत के साए से भागते ये दोनों अपने गांव कैसे आएंगे। मैं शानू चौहान, मैंने उमाकांत गौतम से शादी की है, लेकिन हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं, इसीलिए वो लोग हमें मारने के लिए घूम रहे हैं। ये कानपुर डेरापुर की सारी पुलिस सब एक दूसरे में मिल गई, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम लोग 27 तारीख से हमारे पीछे पड़ी, अगर हम लोग उनको हाथ आ जाएँ तो हम लोगों को जिंदा ही मार दें वो, अगर हम लोग मर जाएँ तो हमारी मौत के जिम्मेदार लल्ला भदौरिया और बाबू चौहान, गोविंद शुक्ला या मेरे घर वाले भी, और चौहान खानदान में जितने सारे सभी हम लोगों के पीछे पड़े, क्योंकि ठाकुर ब्राह्मण में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। सब एक दूसरे मिले और पूरी कानपुर देहात की सारी पुलिस एक दूसरे मिली, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर हम लोग मरे तो हमारी मौत के जिम्मेदार डेरापुर थाने की पुलिस और हमारे जितने ये चाचा लोग हैं ना ठाकुरों में, सभी एक सब होंगे, इसलिए हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। मेरे ससुराल में भी भैया, मेरे सास ससुर सबको, और जिन लोगों को पता भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं उन लोगों को भी झूठ दीपक भैया, हर्ष भैया, इन लोगों को भी फालतू में फंसा दिया कि इन लोगों को अभी आते हैं, जबकि हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की, हम अपनी मर्जी से, हम किसी के दबाव में नहीं आए थे, हम अब अपनी मर्जी से शादी कर सकते, इतनी हमारी उम्र हो चुकी है, इसलिए हमारी मदद करो, हमें अलग मत होने देना। कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।